NLM exercise 1 part 1 question number F3. Three identical balls 1 2 3 are suspended on springs, one below the other as shown in figure. ये बॉल ए है और यहाँ ये स्प्रिंग है, यहाँ ये बॉल बी है, ए बी और ये सी है, ये पॉइंट ओ है, ये पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पर है. थ्री आइडेंटिकल बॉल्स 1 2 3 आर सस्पेंडेड ऑन स्प्रिंग्स. हाँ बोलो सर. सेकंड पार्ट का चाहिए था, मैंने गलती से फर्स्ट पार्ट में बोला. F3 फर्स्ट का आपने बताया था, पार्ट 1 पार्ट 2 का नहीं बताया. अच्छा अच्छा, वो अच्छा ठीक हो गया ना ये तो. यस सर. ठीक है चलो, पार्ट 2 का कोई बात नहीं. चलिए F3, अपने को यहाँ दिया है मासलेस स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू 2 kg ट्रॉली एंड इज यूज्ड टू पुल द ट्रॉली अलोंग अ फ्लैट सरफेस एज शोन इन द फिगर. द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस रिमेन्स एट 10 kg ड्यूरिंग द मोशन. द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली बताओ. ये ट्रॉली यहाँ और यहाँ ये स्प्रिंग बैलेंस है, तो जब ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है तो इसकी रीडिंग ये 10 kg बता रहा है. तो 10 kg बताने का मतलब क्या हुआ? तो 10 kg बताने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ एक तरह से इस पर जो फोर्स अप्लाई किया है वो दरअसल 10 × g है, ये कहने का मतलब हुआ. तभी तो 10 g बता रहा है वो, मतलब 10 kg दिखा रहा है. ठीक है, तो फोर्स कितना लगा रहे हैं इसका मतलब हमने 10 g लगाया है. अब यहाँ अगर आप एफ बी डालते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी केक्स फोर्स लग रहा होगा, यहाँ भी केक्स लग रहा होगा. तो यहाँ भी क्या लग रहा है? इसको केक्स लग रहा है. इसका मास 2 kg दिया हुआ है, तो यहाँ जो हमने फोर्स लगाया यानी यहाँ केक्स लग रहा है, तो वो केक्स यानी कितना है? 10 g तो है. तो ये पॉइंट जो है मासलेस अगर है यानी 10 g इक्वल टू क्या हमारे पास में केक्स है, इसका मतलब यहाँ क्या लग रहा है? इसको 10 × g लग रहा है. तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इस वाले सिस्टम को देखो आप, इस पर राइट मतलब राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? 10 g. इसका मास कितना है? 2 × a. तो जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, 9.8 दिया हुआ वैसे तो इसने, तो ये हो गया 10 × 9.8 = 2a. तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 98, यानी a इक्वल टू आ गया 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आंसर होगा. ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाना चाहिए. अच्छा एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, उसमें एक डाउट था किसी को, देखो उसको फिर से बता देता हूँ मैं आपको. यह हमारा कितना मास था? यहाँ यह 1 kg था, यहाँ भी 1 kg था, है ना. इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है? यहाँ 1 × g
यहाँ भी डाउनवर्ड लग रहा है 1 into g। देखो यहाँ, अब ध्यान से यहाँ इस स्प्रिंग को देखो, आप इस स्प्रिंग के दोनों साइड देखो केक्स लग रहा है। इसका मतलब रीडिंग डबल थोड़ी होती है, रीडिंग तो इस स्प्रिंग की जो है वो केक्स ही रहेगी। वैसा यहाँ भी है, अगर यहाँ ए बी डी आप बनाते हो तो यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा। अब सिमेट्री यहाँ ऐसा है कि जितना वेट इधर है उतने उतना ही वेट उधर है जितना इधर है, तो यहाँ भी क्या होगा टी होगा और यहाँ भी क्या होगा टी होगा। इसका अगर ए बी डी बनाओगे और इसका भी अगर ए बी डी बनाओगे, मान लो टी वन टी टू भी ले लो, तब भी टी वन इक्वल टू क्या जाएगा, मतलब अल्टीमेटली टी इक्वल टू क्या आ रहा है 1 into g ना, यानी 10 न्यूटन आ रहा है। तो आप यहाँ देखो, अगर यहाँ ए बी डी बनाओगे यानी इस और यहाँ भी ए बी डी बनाओगे, इस स्प्रिंग में मान लो एक्स अगर एक्सटेंशन हो रहा है, क्या लग रहा होगा इसको कि और यहाँ इधर लग रहा है इसको टी, उसे यहाँ क्या लग रहा है टी, तो इसको इधर क्या लग रहा है। तो आप यहाँ देखो, अगर इसको देखना है आपको रीडिंग को भी, वो तो केक से होगी एबडी देख से, यानी केक्स की वैल्यू टी, स्प्रिंग की जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस को 10 न्यूटन ही तो होगी। ऐसा नहीं कि डबल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये मतलब है यहाँ। ओके, या जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ सर, एक और बार एक्सप्लेन करोगे सर? मान लो जैसे आवाज कट रहा था सर, तो वही तो ले रहा हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसीलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ उसको। मान लो जैसे कि ये यहाँ है, अरे ब्लॉक अटैच है, ये स्प्रिंग बैलेंस है मान लो, ठीक है। अगर इसको डाउनवर्ड यहाँ देखो, मान लो ये 2 kg है मान लो, तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ 2 into g ना, और g की वैल्यू यहाँ मान लो मैंने 10 m/s स्क्वायर ले लिया। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी रीडिंग क्या है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है, तो इसका एफबीडी बनाओ। इसको ऊपर की तरफ केक्स लग रहा होगा ना, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये स्प्रिंग जो है इसको केक्स नीचे लग रहा होगा, ये पूरा स्प्रिंग बैलेंस है। और इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ 2g लग रहा है, यानी 2 into 10 20 न्यूटन लग रहा है ना। इसका मतलब केक्स की वैल्यू क्या है यहाँ 20 न्यूटन, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए उसकी। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस वो कितना दिखाएगा, 2 kg तो दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ भी देखो इसका एबीडी बनाओ, ये रुका हुआ था, आप देख रहे हो कि ये स्प्रिंग रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसको नीचे केक्स अगर लग रहा है, सीधी सी बात इसको भी केक्स ऊपर लगेगा और सीलिंग को भी केक्स नीचे लगेगा। इसका मतलब यहाँ डबल कहाँ हो रहा है, यहाँ भी तो रीडिंग तो ये आ रही है 2 kg यानी 20 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग। ऐसा थोड़ी कि ये फोर्स और ये फोर्स ऐड हो जाता है, ये नहीं होता है। वही तो देखो ना आप, यहाँ भी तो ऐसा हो रहा है, वैसा है वहाँ हो रहा है, तो फोर्स ऐसे 2x नहीं होता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग की बात करेंगे तो दोनों साइड सेम फोर्स होगा, इसका मतलब वो फोर्स ऐड नहीं होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रखना है। अभी क्लियर है आपको? यस सर, यस सर, ओके, चलो गुड। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट टू पे चलते हैं। अच्छा पार्ट टू तो है, एच टू पे चलते हैं। ट्राइंगुलर ब्लॉक, एक ट्राइंगुलर ब्लॉक है हमारे पास में, ये जो एंगल दिया है यहाँ ये 30 degree है और ये ब्लॉक एम है, ये कैपिटल एम है। ट्राइंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर, a cubical block of mass m rest on the inclined surface. If all surfaces are frictionless, the force
that must be applied to capital M so as to keep M stationary relative to M. अब इसको रेस्ट पर रखना है. अभी आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने फोर्स नहीं लगाया है ना, ये पहला केस है, यानी मैंने ये जो ट्राइंगुलर ब्लॉक है इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो क्या हो रहा होगा इस केस में, इसको डाउनवर्ड एम जी लग रहा होगा. तो आप देख रहे हो डाउनवर्ड एम जी की वजह से क्या हो रहा होगा, ये इधर जाना चाह रहा होगा क्योंकि एम जी का कंपोनेंट इधर पुश करेगा. जैसे एम जी का कंपोनेंट इसको पुश करेगा, इसका एफ बी डी बनाओ क्योंकि डाउनवर्ड एम जी, तो एम जी का एक कंपोनेंट इसको ऐसे पुश करेगा, तो आपको भी मालूम है दोनों के बीच में नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल इसको ऐसे लग रहा होगा. तो नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा, इसको ऐसे पुश करेगा, तो ये ब्लॉक इधर कहीं जाना चाहेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर जाना चाहेगा, तो इसका मतलब दोनों के बीच में तो मूवमेंट हो रहा है. तो अगर इसको रोकना है तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, अगर मान लो मैं फोर्स इधर अगर लगाऊं, अगर मैं इस पर फोर्स इधर लगाऊं, तब भी ये ब्लॉक को देखो मूव करेगा कि नहीं करेगा, तब भी ये ब्लॉक तो इधर कहीं मूव करेगा. इसका मतलब फोर्स आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, और फोर्स एफ जीरो भी नहीं रख सकते हो, है ना. इसका मतलब एफ इक्वल टू जीरो भी नहीं रख सकते हो, और फोर्स उस डायरेक्शन में भी नहीं लगा सकते हो. इसका मतलब फोर्स अपने को राइट साइड में लगाना होगा. तो जब आप राइट साइड में लगाओगे तो होगा क्या, जो ट्राइंगुलर ब्लॉक है उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं जाके बात करूंगा, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, यानी ब्लॉक ए को शूडो फोर्स किधर लगेगा, अगर मैं इसको इधर की तरफ पुश करता हूं तो अगर इधर पुश करेंगे तो ये क्या करेगा, इधर मान लो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसको ब्लॉक को शूडो फोर्स किधर लगेगा, इसके ट्राइंगुलर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऑपोजिट किधर, मतलब लेफ्ट साइड में लगेगा. क्लियर है, किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में. तो ये चांस है ना इसके रुकने के, लेकिन है क्यों, क्योंकि अगर इसके रेस्पेक्ट में जाके बात करोगे तो शूडो फोर्स इधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड इसको एम जी लग रहा है, और नॉर्मल इसको ऐसे लग रहा होगा, तो चांस है ना रुकने के. देखो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं अभी इस केस में वो बिल्कुल सही कर रहे हैं. ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किसी को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ. तो ऐसा करते हैं, पहले ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए बात कर लेते हैं. तो दोनों साथ में चल रहे हैं, तो दोनों साथ में अगर चल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ना. दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए होगा. क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल में कितना है, एफ ही तो है, एम प्लस एम इंटू ए टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं. ये इक्वेशन नंबर वन आ गया. अब बात करते हैं हम लोग, इनका एबीडी बना लेते हैं, या तो दोनों का तो जब हम लोग एबीडी बनाएंगे इसको ट्राइंगुलर ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, 90 डिग्री होगा. ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री बता रहा है, और इसको हमने फोर्स इधर लगा रखा है, तो आपको ये पता है कि इधर की तरफ कितने से जा रहा है, ए से जा रहा है, लेकिन नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे. हॉरिजॉन्टल में ये एंगल कितना आ जाएगा, पहले मतलब ये नॉर्मल, तो ये एंगल कितना है यहाँ 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है ना. इसका मतलब नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या होगा इधर की तरफ, एन साइन 30, इस पर नेट फोर्स इधर कितना आ गया, वो आ गया एफ माइनस एन साइन 30 इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर टू. ये बात समझ में आई, अब एफ बी डी तो ट्राइंगुलर ब्लॉक का हुआ, यानी ये बी ब्लॉक का हुआ. अब एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए पे देखो कौन कौन से फोर्स है, इसको डाउनवर्ड एम जी लग रहा है. अच्छा मैं यहां बात कर रहा हूं लेकिन विद रेस्पेक्ट टू
ट्राइंगुलर ब्लॉक ब्लॉक बी, उसको शूट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, पीछे लगेगा, कितना लगेगा, एम इंटू ए, ये क्या हो जाएगा एफ पी एस, और इसको नॉर्मल, वो तो रियल फोर्स है, तो रुका हुआ है, रुकने का मतलब क्या हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, ये मतलब हुआ इसके रेस्पेक्ट में रुका है, इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में जीरो आना चाहिए, तो ये एंगल कितना निकल के आता है, पहले बात कर चुका हूं मैं 30 डिग्री, तो नॉर्मल का है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा एन कॉस 30, इधर एक कंपोनेंट क्या होगा एन साइन 30, यानी एम ए इक्वल टू क्या आना चाहिए एन साइन 30 और एन कॉस 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए एम जी, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू मैं क्या करता हूँ, यहाँ वन को टू से डिवाइड कर देते हैं, यानी एन साइन 30 डिवाइडेड बाई एन कॉस 30, ये हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई एम जी, यानी क्या आ गया ए बाई जी आ गया, तो आपके पास क्या आ गया टेन 30 आ गया है, तो यहाँ जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ए आ गया, हमें तो फोर्स चाहिए था, हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, वन में पुट कर देंगे, तो पुटिंग इन वन। आप कहेंगे सर फिर आपने ऊपर वाले का क्यों बनाया, मालूम ये तो मैंने क्योंकि एक साथ लिख लिया था ना, इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन आ गई थी, अगर मुझे अलग अलग लिख के करना था तो फिर मेरे पास में दो अननोन और दो इक्वेशन है ना, तो इन दोनों को सोल्व करके लिया था ना, फिर मैं नहीं समझा है कि नहीं, एक इक्वेशन यहाँ से बनती है हमारे पास में और एक इक्वेशन ये है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक नॉर्मल मतलब तीन अननोन थे हमारे पास में एफ एन और ए, तो तीन इक्वेशन है ना, वन टू सॉरी ये थ्री है, और ये फोर है ना, तो इन तीन इक्वेशन से टू थ्री फोर से सॉल्व करके निकाल सकता था मैं, तो वहां से मुझे डायरेक्ट इक्वेशन मिल गई, वो कितना था, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा एम प्लस एम इंटू जी टेन 30, तो ये आंसर आना चाहिए, यानी सी ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में H3, भाई सबको क्लियर है सर, ऊपर ले सकते हो क्या नोट करने के लिए, लिख लो यहाँ से है ना, नहीं सर वो FPDF ब्लॉक है वहां पर, अच्छा ठीक है, हो गया हाँ सर, नेक्स्ट हमारे पास में H3, ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ वेज ऑफ एंगल थीटा, यानी ये वेज है, ये एंगल थीटा है और इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन ए बता रहा है और ये ब्लॉक क्या रखा है, क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन अ वेज ऑफ एंगल थीटा इज शोन इन फिगर, द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स लेफ्ट
what is the minimum value of A due to external agent so that the mass m falls freely. अब falls freely का मतलब क्या हो, देखो यहाँ पहले अगर आप इसका देखो कौन कौन से फोर्स इस पर लग रहे हैं, नॉर्मल और डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एम जी. अब अगर मान लो मैं नॉर्मल को जीरो कर दूं तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ये ब्लॉक डाउनवर्ड ही तो गिरेगा. ये बात समझ में आई कि नहीं है? अगर नॉर्मल को आप जीरो कर दो तो इस पर फोर्स ये हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले तुम मुझे. तो फ्री फॉल ही तो गिरेगा ना, यानी ये क्या करेगा, अंडर ग्रेविटी जी एक्सेलरेशन से आ रहा होगा क्योंकि नॉर्मल तो जीरो हो गया. इसका मतलब है कि इस ए की वैल्यू क्या हो कि नॉर्मल जीरो हो जाए. ये पॉइंट समझ में आया पहले, आगे चलें. तो मैं क्या करूंगा, इसको विद रेस्पेक्ट टू वेज जाऊंगा. तो विद रेस्पेक्ट टू अगर वेज में बात करूं तो जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं उसको रोक देंगे. ये एंगल थीटा है, ये रोक दिया हमने. अब इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पे भी मैं मान रहा हूं कि नॉर्मल भी मान लो, शूडो फोर्स भी होगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में गए. एफ पी एस इक्वल टू क्या होगा, एम ए. डाउनवर्ड क्या होगा यहाँ, एम जी. और नॉर्मल इसको किधर लग रहा होगा, इधर. तो अगर वेज के रेस्पेक्ट में ये मूव करेगा भी तो ऐसा ही मूव करना चाहेगा, है कि नहीं, ऐसे ही मूव करना चाहेगा. वेज यानी वेज का जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर तो मूव नहीं करेगा. तो रिजोल्व कर लेते हैं, हमें मालूम है कि एंगल थीटा निकल के आता है, और अगर ये एंगल है तो आपको ये भी मालूम है कि ये एंगल थीटा होता है, होगा ही ना. इसको एक्सटेंड करेंगे देखो, क्योंकि एंगल थीटा है तो वो एंगल भी थीटा हुआ. तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर एन के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये एम ए एम ए साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका क्या होगा, एम ए कॉस थीटा. और एम जी का एक कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, इधर एम जी कॉस थीटा और इधर आएगा एम जी साइन थीटा. आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर. इसका मतलब एन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी कॉस थीटा होना चाहिए. अब मैंने क्या कहा कि नॉर्मल जीरो होगा तभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, वर्टिकली फॉल करेगा. इसका मतलब एम ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी कॉस थीटा. यानी एम से तो एम कैंसिल आउट होगा, तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी जी कॉट थीटा. ये आंसर आना चाहिए भाई. वेज के रेस्पेक्ट में तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हमें वर्टिकली गिराना है. जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो शूडो फोर्स की बात करते नहीं है, तो ग्राउंड से, क्योंकि हमने पहले ही बात किया कि रियल फोर्सेस किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते, तो जो ग्राउंड से वही उस फ्रेम में रहेगा नॉर्मल. लेकिन नॉर्मल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जाना चाहिए क्योंकि इसको फ्री फॉल कराना है. तो ये हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई. ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, जी कॉट थीटा होना चाहिए. तो ये वाला पार्ट भी हो गया. नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट थ्री. पार्ट थ्री कुछ बच्चों ने किया ही नहीं, अब क्या करें बताओ, क्योंकि एक बार करोगे तभी है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं. तो मैं ये कर लेता हूँ, फिर पार्ट थ्री करो भाई, तभी तो बात बनेंगे. नेक्स्ट हमारे पास में एक्सरसाइज थ्री. एक्सरसाइज थ्री का पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर वन.
क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ पैराबोला, यानी ये पैराबोला अगर है, क्योंकि क्या दिया इसने, y इक्वल टू kx स्क्वायर। आप यहाँ देखो x की दो वैल्यू के लिए, जैसे x की वैल्यू अगर मान लो मैं 1 रखा तो y कितना मिला मुझे, k, और x की वैल्यू -1 रखा तो y क्या मिला, फिर से k। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो ये देखो ना, आप y की वैल्यू 1 मिल रही है ना, मतलब k मिल रही है इस केस में, ठीक, इस तरह से एक ग्राफ पार गए। अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ पैराबोला विद अ बीड ऑफ मास m ऑन इट, द बीड कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, इट स्टेज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला। जब ये पैराबोला मूव नहीं कर रहा है, मतलब तो बीड यहाँ है। When the wire is at rest, the wire is now accelerated parallel to the x-axis, ये इधर की तरफ accelerate करना शुरू कर दिया। With a constant acceleration a, the distance of the new equilibrium position of the bead, where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y-axis बताने। तो आपको ये मालूम है, जब ये इधर जाने लगेगा तो विद रेस्पेक्ट टू वायर, वायर तो एक्सलरेट कर रहा है किधर, राइट साइड में, तो शुड ऑफ फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, क्योंकि इसको तो मैं रोक दूंगा वायर को, तो इसको शुड ऑफ फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा, तो ये शुड ऑफ फोर्स की वजह से क्या करेगा, ये यहाँ कहीं जाके रुक जाएगा, तो ये पूछ रहा है y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये x कितना है ना। तो आप यहाँ देखो, अगर यहाँ चला जाता है उसको शूट ऑफ फोर्स तो अभी भी इधर ही लग रहा है, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, यहाँ mg लग रहा है, और नॉर्मल कैसे लगेगा, यहाँ से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, तो नॉर्मल हमेशा इसके परपेंडिकुलर लगेगा इसको, तो ये अगर रुका हुआ है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, मान लो है ना, तो फिर ये एंगल कितना होगा, यहाँ वन एटी माइनस थीटा होगा ना, अगर ये एंगल थीटा है तो, ये बात समझ में आई कि नहीं है पहले तो। Yes, sir. Yeah. तो आप यहाँ देखो, या ऐसा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये क्या देगा आपको, यानी यहाँ देखो tan थीटा, ये क्या बताया था मैंने आपको, dy by dx बताया था, याद आ रहा है, क्योंकि स्लोप किसके साथ में देखना है, पॉजिटिव x के साथ में देखना है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये थीटा लेना है, उसका जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, dy by dx होगा ना इसका, यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। अब यहाँ अगर ये tan थीटा, ये 90 माइनस मैंने थीटा लिया है, तो यहाँ देखो बाप, ये एक तरह से क्या हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये बीड यहाँ है, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ mg, इधर क्या लग रहा है ma, और इधर क्या लग रहा है नॉर्मल, तो अगर ये एंगल थीटा है, इसको रिजोल्व कर लो, सॉरी 90 माइनस 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी कितना मिलेगा आपको, मेरे को इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस अल्फा, हॉरिजॉन्टल एन साइन अल्फा, ये वायर के रेस्पेक्ट में ये भी क्या है, रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ, एम ए इक्वल टू एन साइन अल्फा होना चाहिए, ये इसके इक्वल आना चाहिए, फिर एम जी इक्वल टू एन कॉस अल्फा होना चाहिए, यानी वर्टिकल वाले कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, डिवाइड कर दो,
तो ए बाई जी इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, यानी ये कितना हो गया टेन अल्फा। ए बाई जी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, टेन 180 माइनस थीटा लिखोगे, यानी इसका मॉड ही ले लो। अल्टीमेटली कितना आ गया है, टेन थीटा आ गया, यानी टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, डीवाई बाई डी एक्स आ गया। फंक्शन क्या हमारे पास में, फंक्शन ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंस y इक्वल टू क्या है kx स्क्वायर, तो dy by dx क्या हो जाएगा k 2x, ओके रख दो यहाँ, तो 2kx, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, हमें तो x ही चाहिए था, तो आ गया a by 2g k, यही आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। है ना, तो इस तरह से करेंगे, पार्ट टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। एक मिनट रुकिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट टू का, टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस, यानी ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है, आप ये देख रहे हो कि अगर ये फिक्स है तो ये हमेशा इधर ही जाएगा, है ना। फिर इसका देख लो आप, तो पहले इसी का सॉल्व कर लेते हैं, इसको थीटा मान के फिर उसका भी ले लेंगे। क्या पूछ रहा है, टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द वर्टिकल आर शोन इन द फिगर। Two blocks A and B are placed on the two planes respectively. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? पहले एक को ही ले लेते हैं, है ना? तो रिजोल्व करते हैं इसका। तो आप देख रहे हो कि इस पर एक तो ये फोर्स लग रहा है, मान लो अगर इसका मास m है तो mg लग रहा है, और इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, लेकिन हमें मालूम है कि अगर इसका मूवमेंट होगा तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एम जी को रिजोल्व कर लेंगे, तो हमें मालूम है कि ये एंगल थीटा निकल के आता है, तो फिर एंगल भी थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, यानी ये होगा हमारे पास में एम ए, तो ए इक्वल टू आ गया जी साइन थीटा, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ बैलेंस कर गया एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इसके यानी इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो सकता इसका। आप चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, है ना, घर पे वो लो, आप इरेजर लो, तो आपकी बुक को टिल्ट करो, इंक्लाइन करो, और उसको इरेजर को रखो, नीचे फिसलेगा तो किधर जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जाएगा, इतना तो लॉजिकल आप सोच ही सकते हो। अब यहाँ देखो इसका एक्सेलरेशन किधर है, यानी हमारे पास में आ गया इसका मतलब ए ए जी साइन 60 और ए बी है जी साइन 30,
क्योंकि एक में एंगल 30 है, एक में 60 है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो आप देखो कि ये तो इधर जा रहा है ना, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो ये एंगल कितना है, यहाँ देखो ये 30 डिग्री है ना पहले वाले के लिए, तो 30 डिग्री है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए का, तो ये हो जाएगा ए कॉस 30, और बी वाले का क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका ये एंगल कितना होगा 60 ना, ये ए के लिए बी के लिए, इसका ये ए बी है, इसका क्या जाएगा ए बी कॉस 60, हमें क्या चाहिए, यही वर्टिकल कंपोनेंट का वही तो चाहिए, तो ए ए बी वेक्टर y में, क्योंकि ये क्या है ए वाई ए और ये ए वाई बी, तो हमारे पास हो गया ए वाई ए नीचे की तरफ ही है ना माइनस जे कैप माइनस, तो इसका माइनस ए वाई बी जे कैप ना, याद आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, तो यहाँ देख लो बाप क्या होगा माइनस के साथ ये है, तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए अपने को, तो कितना आ गया ए ए कॉस 30 जे कैप प्लस ए बी कॉस 60 जे कैप, और इन दोनों की वैल्यू यहां से रख दो, तो माइनस जी साइन 60 कॉस 30 जे कैप प्लस जी साइन 30 कॉस 60 जे कैप, ये आ गया हमारे पास में। तो अब यहां ध्यान से देख लो क्या क्या दिया, देखो माइनस जी रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2, ये क्या है जे कैप, प्लस जी इंटू 1 बाई 2 जे कैप, तो यहां से हम लोग जी बाई 4 को बाहर ले लेते हैं, माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड ले लो, तो आप वैसे भी देखो क्या आ रहा है, तो सीधा सीधा माइनस 2, तो माइनस जी बाई 4 इंटू 2 जे कैप, क्या रहा माइनस जी बाई 2 आ गया जे कैप, मैग्नीट्यूड में क्या आ गया देखो कितना है जी के वैल्यू 9.8 होगा, तो मेरे ख्याल से 9.8 उसकी कितना आ गया माइनस 9, मतलब मॉडी ले लेते बाई 2, कितना रहा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है भाई सबको, ऐसे करना पड़ेगा, कोई डाउट क्लियर हो तो बता दो मुझे, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सर एक मिनट कॉपी कर रहे हैं। हाँ हाँ कर लीजिए। सर थोड़ा नीचे लीजिए ना लास्ट पार्ट लिखना है। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एट टी इक्वल टू 0, ये कह रहा है कि यू इक्वल टू 0 है, और जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ नॉट ए टू पावर माइनस बी टी इन द एक्स डायरेक्शन,
तो आप देखो t इक्वल टू जीरो पे फोर्स की वैल्यू क्या है, देखो f ऑफ जीरो t इक्वल टू जीरो पर देखो f नॉट ए, इसका मतलब वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन फोर्स तो है, तो बॉडी क्या करेगी यानी ऑब्जेक्ट क्या करेगा या पार्टिकल जो भी है मूव करेगा, k भी रहा अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेगा, तो कह रहा है इट्स स्पीड डिपिक्टेड बाय, तो f को क्या लिख सकते हो, किसी जनरल टाइम t की बात करेंगे हम लोग, तो एट टाइम t, तो आप देख रहे हो कि फोर्स तो वेरिएबल है कॉन्स्टेंट थोड़ी है, f of t equal to, लेकिन इसको आप m into a लिख सकते हो ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में f not a to power minus bt ना, a को क्या लिख सकते हो आप, dv by dt लिख सकते हो, क्योंकि वैसे तो मैंने a को ये लिखना सिखाया था आपको, ये लिख सकते हो आप a equal to v dv by dx equal to dv by dt लिख सकते हो, तो m dv equal to f not e to power minus bt dt लिख सकते हो, आपको ये पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है जब टाइम जीरो था, किसी जनरल टाइम टी पर वेलोसिटी v हो गई, तो इसका तो क्या हो जाएगा dv का v हो जाता है जीरो टू v, अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास में एम वी और ये f नॉट, ये जीरो से t e टू पावर माइनस बी टी डी टी जीरो टू t, अब हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, हमें e टू पावर t का आता है, हमें e टू पावर x dx का इंटीग्रेशन मालूम है, e टू पावर x प्लस एक कॉन्स्टेंट आता है, याद आ रहा है ये सीखा था हम लोगों ने, फिर से क्या करेंगे ये तो, लेकिन e टू पावर माइनस बी टी है तो क्या करना है, लेट माइनस बी टी इक्वल टू जेड मान लेता हूं मैं, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, b तो कॉन्स्टेंट है तो b डी टी बाई डी जेड, ये क्या हो गया वन, यानी हमारे पास में dt की वैल्यू क्या आ गई है माइनस डी जेड माइनस डी जेड बाई बी ना, लिमिट नहीं लगाएंगे अभी, ये वैल्यू वहां रख देंगे एम बी इक्वल टू एफ नॉट, अब यहाँ देखो ए टू पावर क्या हो गया जेड और डी टी की जगह क्या रखोगे आप माइनस डी जेड बाई बी ना, माइनस को बाहर ले लो माइनस एफ नॉट बाई बी, अंदर क्या हो गया ए जेड डी जेड, ये इसी फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका एम बी इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई बी और इसका ए टू पावर जेड, क्योंकि इसमें अब सी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो क्योंकि लिमिट अभी लगा देंगे ना जेड की वैल्यू रख के, तो माइनस बी नॉट बाई एफ नॉट बाई बी ए टू पावर माइनस बी टी, अब लिमिट क्या है सॉरी जीरो टू टी, हो गया एम बी इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई बी, ये हो गया ए टू पावर माइनस बी टी माइनस ए टू पावर जीरो, ए टू पावर जीरो का मतलब वन, तो माइनस एफ नॉट बाई बी ए टू पावर माइनस बी टी माइनस वन, माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो और एम को डिवाइड कर दो, तो एफ नॉट बाई एम बी वन माइनस ए टू पावर माइनस बी टी, अब यहाँ देखो जब t इक्वल टू जीरो रखोगे तो v क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, लेकिन जब आप t टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो e टू पावर माइनस बी टी जो है ना वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये समझ में आया जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वन वन बाई ए टू पावर बी टी जाएगा ना, तो आप देखो कि वन बाई इन्फिनिटी मिलेगा, वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है ना, ये बात समझ में आ गई ना, इसका मतलब क्या हुआ अगर ये जीरो हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि b क्या हो जाएगा, वहां देखो f नॉट बाई एम बी यानी वन माइनस जीरो ना, यानी कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब है इसका कर्व जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, ये t है और ये b है,
और ये वैल्यू क्या रही है, ये वैल्यू आ रही है एफ नॉट बाई एम बी, यानी इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। तो आपको वैसे भी मैथ्स में ये ग्राफ ग्राफ सब पढ़ाए जाएंगे कैसे बनाते हैं, है ना, और अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इसे करना है, इसको लिखना है आप लोगों को ये। हाँ सर लिखना है वो ग्राफ वाला। अच्छा ये ऊपर का लिख लिया था, ठीक है। सर ऊपर कितना था, ऊपर का भी ना पहले लिख लो, तो ऊपर का भाई क्लियर है सबको यहाँ तक, लिख लिया है सर? ग्राफ दिखा है ना? हाँ अभी दिखा, पे लिख रहे हैं ना, इनको लिखने दो पहले। लिख लिया ना वो? यस सर। सर हो गया। हाँ बोलिए, हो गया? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉल को थ्रो किया गया
टी इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी वी नॉट है और डाउनवर्ड उसको जो लग रहा है वो एम जी तो होगा ही, साथ में ये कह रहा है कि एक ड्रैग फोर्स भी है. अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू एम गामा वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉल, वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड गामा इज द कॉन्स्टेंट टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ इज. यानी इसके शीर्ष बिंदु तक पहुंचने के लिए शीर्ष बिंदु मतलब यहाँ इसको इस पॉइंट तक जेनिथ पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है. यानी मान लो टी टाइम पर ये पहुंचता है तो ये टी इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू टी नॉट है. तो यहाँ पहुंचने का मतलब है कि यहाँ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. अगर वेलोसिटी होगी तो ये क्या करेगा, और आगे जाएगा. ओके तो अब हमारे पास में क्या है, देखो किसी जनरल इसकी बात करते हैं. मान लो यहाँ कहीं है, यहाँ इसकी वेलोसिटी भी है तो ड्रैग फोर्स मतलब पीछे लगेगा तो वो है एफ आर है. मान लो रेजिस्टिव फोर्स ले लेता हूँ मैं और डाउनवर्ड ही क्या है यहाँ एम जी भी है. तो यहाँ क्या हो रहा है, दरअसल इसका एक्सेलरेशन मैं ऊपर की तरफ मान लेता हूँ ए है ना. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन में वैसे तो एक्सेलरेशन मानते हैं. क्या लिखोगे आप, एम ए इक्वल टू माइनस एफ आर प्लस एम जी लिखोगे. यानी एम ए इक्वल टू लिखोगे माइनस एफ आर, माइनस एफ आर के वैल्यू क्या है यहाँ एम गामा वी स्क्वायर माइनस एम जी. हमें तो टाइम चाहिए, क्या करेंगे हम लोग यहाँ इसको क्या लिखेंगे. अच्छा एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया तो ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं. तो माइनस गामा वी स्क्वायर माइनस जी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं डीवी डिवाइड बाई गामा वी स्क्वायर प्लस जी. और यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस डी टी, माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो गामा वी स्क्वायर प्लस जी है ना. ये हमारे पास अब इसको इंडिकेट करेंगे, इसको जीरो से टी और इसको इंडिकेट कहां से क्या करेंगे, वी नॉट टू जीरो करेंगे ना. अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से पहले गामा बार निकाल लेता हूँ. तो डी वी गामा बार लेंगे, यहाँ हो गया वी स्क्वायर प्लस जी बाई गामा, इसको इंडिकेट करेंगे वी नॉट टू जीरो और यहाँ क्या मिलेगा माइनस टी. अब यहाँ क्या होता है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस अगर एक्स स्क्वायर है तो वो होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक कॉन्स्टेंट. यहाँ ए क्या दिया हुआ है आपको, जी बाई गामा दिया रूट में है ना, क्योंकि ए स्क्वायर होना चाहिए वो, जिसको आप चौथे से मॉडिफाई कर सकते हो डी वी. ये वन बाई गामा को बाहर रखो, गामा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या लिख सकते हो आप वी स्क्वायर प्लस जी बाई गामा का रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी, या वी नॉट टू जीरो. तो सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट लगा दी, गामा को इधर ले लेता हूं मैं, तो जाएगा वन बाई रूट जी बाई गामा टेन इनवर्स वी बाई रूट जी बाई गामा लिमिट वी नॉट टू जीरो माइनस टी. और गामा यहाँ गामा को भी ले लेते, चलो इधर ले लेते हैं, उसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हमें क्या चाहिए, अच्छा टाइम ही तो चाहिए ना, हो आ गया ना. तो ये हो जाएगा पहले वन बाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं गामा बाई जी, और ये वन बाई गामा था इसे लिमिट लगाओ तो ये तो जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो मतलब जीरो, और ये टेन इनवर्स वी नॉट बाई रूट जी बाई गामा माइनस टी. गामा तो इधर ले ले, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली टी कितना आ गया, देखो यहाँ तुम्हारे पास आ गया. देखो गामा को यहाँ अंदर लो, गामा इस पर मिलेगा ना, तो गामा बाई जी
गामा स्क्वायर और ये क्या मिलेगा आपको यहाँ टेन इनवर्स और ये हो जाएगा वी नॉट रूट गामा बाई जी, ये आंसर आना चाहिए। या और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो टी इक्वल टू आ गया रूट वन बाई जी गामा टेन इनवर्स वी नॉट रूट गामा बाई जी, तो ये आंसर है। कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, तो इस तरह से करेंगे। तो ये देखो क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तब तक तो आप ये सारे फॉर्मूले सीख जाओगे ना मैथ्स के भी, तो है कि नहीं? यस सर। तो तब तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ओके सर, कॉपी करें? हाँ कॉपी कर लीजिए। अच्छा डीपीपी वन डिस्कस हो गई थी ना हमारी? यस सर। डीपीपी टू डिस्कस कर लेते हैं फिर आज? यस सर। चलो ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर नीचे लीजिए ना लास्ट लिखना। एक मिनट, चलो बताइए डीपीपी इसमें। डीपीपी बी टू में डाउट बताइए। सर टू क्वेश्चन नंबर टू। हाँ और बताइए। सर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन। हाँ सर 18। और बताइए। 18 एंड 16। 18 16। हाँ और बताइए। बस चलो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? यस सर। और भी डाउट है? एक मिनट को। वीडियो लैग कर रहा है क्या? नो सर।
चलो डीपीपी टू, डीपीपी टू में क्या हो रहा है देखो, द वेलोसिटीज क्वेश्चन नंबर वन की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें. वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, यानी हमारे पास में एक ऐसा सर्किट सॉरी एक ऐसा फिगर दिया है जिसमें तीन ब्लॉक हैं. तो ये ब्लॉक ए है, ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और ये जो ब्लॉक है ये भी 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. ये बी ब्लॉक है, और ये ब्लॉक ए है, और ये ब्लॉक सी है. तो आप देख रहे हो कि ब्लॉक की, इस ब्लॉक सी की ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ जो है हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से चेंज होगी. तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी मानेंगे. तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है सी की, यानी ये मैंने मान लिया कि ये वेलोसिटी वी है ना, यानी वेलोसिटी वी मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, जो कि नीचे की तरफ मान लिया मैंने. ये क्लियर है सबको? क्या पूछ रहा अपने से ये, द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, find the speed of block C. Assume that the pulleys and string are ideal. तो इसकी net velocity पूछ रहा है. जब उसने कहा ना कि find the speed of block C, इसका मतलब ground के respect में पूछ रहा है. चलो concept लगाते हैं. Summation P vector dot V vector equal to zero. तो यहाँ देखो, इसको T इधर लग रहा है, इसको T इधर लग रहा है, इसको टी इधर लग रहा है, इसको टी इधर लग रहा है. ये तो डिस्टेंस, ये तो क्योंकि पुली फिक्स है दोनों ही, तो इस यहाँ फिक्स है ना इसे बी पर, तो इस लेंथ की तो बात ही मत करो क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रही है. लेकिन इसकी बात करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ टी है और यहाँ भी टी है. मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. आप देख रहे हो कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी इसके साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ में कनेक्ट है. क्या लिखोगे आप, टी इंटू वन ना, क्योंकि ये इधर कितने से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से. यहाँ देखो बाप, इसका ये आगे कितने से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से. तो क्या लिखोगे, माइनस टी इंटू वन. इसका इसका क्या लिखोगे, माइनस टी इंटू वन ना. इसका देखो बाप, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना पुली, तो ये कितने से जा रहा है, वन से. तो ये भी तो वन से जा रहा है. क्या लिखोगे, t इंटू वन ना. इसके बारे में बात ही नहीं करना है क्योंकि लेंथ ही नहीं चेंज हो रही है. यहाँ देखो, ये पुली क्या नीचे जा रही है क्या, नहीं, इसका तो जीरो ही है. लेकिन ये v से नीचे जा रहा है और t ऊपर है. क्या लिखोगे, माइनस टी वी इक्वल टू जीरो लिखोगे. अब यहाँ देखो आप, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी v इक्वल टू क्या गया, जीरो, क्योंकि t तो जीरो नहीं है. तो v जीरो आया, यानी v सी भी जीरो आया ना. इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ v सी बी वेक्टर इक्वल टू v सी वेक्टर माइनस v बी वेक्टर लिखोगे. ये तो जीरो है, तो जीरो इक्वल टू v सी वेक्टर माइनस v बी कितना है, तो माइनस वन आई कैप है. तो v सी वेक्टर कितना आ गया, माइनस वन आई कैप, यानी मैग्नीट्यूड क्या गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 1 मीटर पर सेकंड. बात समझ में आ गई? यस सर, समझा. इसका मतलब किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट साइड में जा रहा है, ऐसे करना था. क्वेश्चन नंबर टू,
Drops of water fall at regular intervals from roof of a building of height h. ये बिल्डिंग हमारे ये मतलब सीलिंग मान लेते हैं, ये ग्राउंड है, हाँ ना, ये जो हाइट है ये h है, क्या कह रहा है? और हाइट कितना दिया हुआ इसने, ये भी दिया हुआ इसने, drops of water fall at regular intervals from roof of building of height h equal to 16 meter. The first drop is striking the ground at the same moment as the fifth drop detaches itself from the roof. मतलब ऐसा है, it just detach हो रहा है fifth drop. मतलब इसकी यहाँ velocity zero है, इसका मतलब fourth यहाँ कहीं होगा, इसका मतलब third यहाँ कहीं होगा, इसका मतलब second यहाँ होगा, और first कहाँ पहुँच गया? Ground पे पहुँच गया. ये बात समझ आई सबको? इंटरवल सेम है, कह रहा है कि रेगुलर इंटरवल्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच. ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच. द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द ग्राउंड at the same moment as the fifth drop detaches itself from the roof. The distances between separate drops in air as the first drop reaches the ground are. कौन कौन सी distance पूछ रहा है? देखो ये इनका ratio पूछ रहा है. क्या करेंगे ध्यान से समझेगा. देखो ये क्या हमारे पास में, ये s1 है, ये क्या हमारे पास में s2 है, ये क्या हमारे पास में s3 है, और ये क्या हमारे पास में s4 है. रेगुलर इंटरवल है इसका मतलब, देखो मान लो इसको यहां से आज तक पहुंचने का टाइम t लगा, इसको यहाँ 2t, इसको 3t, और इसको 4t लगा, इसका मतलब है ना, तो t इक्वल टू 40, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसकी, तो ड्रॉप वन के लिए बात कर रहा हूं मैं. तो फॉर ड्रॉप वन तो 16 इक्वल टू जीरो प्लस हाफ g नहीं मालूम, तो g इंटू 40 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 32 इक्वल टू जी 16 इंटू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 बाई जी, ये आ गया. तो हमारे पास देखा जाए तो ये एस वन ही तो हो गया ना पहले, तो ये तो एस वन निकाल लिया हमने, लेकिन डिस्टेंसेस की बात करा तो डिस्टेंसेस मतलब क्या, देखो यानी ये डी वन है, ये डी टू है, ये डी थ्री है, ये डी फोर है, है ना. ऐसा है तो यहाँ डी वन क्या होगा, एस वन माइनस एस टू ना, यहाँ डी टू क्या होगा, एस टू माइनस एस थ्री ना, यहाँ डी थ्री क्या होगा, एस थ्री माइनस एस फोर ना, और यहाँ डी फोर क्या है, एक तरह से ये एस फोर ही तो है. तो पहले एस वन तो हमें पता चल रहा है कि 16 है, एस टू क्या हो जाएगा, देखो जीरो प्लस हाफ जी, इसको टाइम कितना लग रहा है, देखो इसको टाइम लग रहा 3t, इसको 2t, इसको t, तो क्या लिखोगे आप, 3t का होल स्क्वायर, तुम्हारे पास कितना आ गया देखो, 9 जी बाई टू, टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 2 बाई जी, कितना आ गया 9. ये तो एस टू आया ना अभी हमारे पास, अभी एस थ्री भी लिखेंगे, जीरो प्लस हाफ जी 2t का होल स्क्वायर ना, यानी कितना आ गया 4 जी बाई टू, t स्क्वायर कितना है 2 बाई जी, कितना आ गया 4 ना, ये सही कर रहा हूँ ना भाई मैं. फिर s4 0 प्लस हाफ जी t स्क्वायर,
तो g by 2 into 2 by g equal to क्या हो गया 1. अब यहाँ देखो s1 minus s2, s1 कितना है तो 16 minus 9 कितना आ रहा 7, फिर 9 minus 4 कितना आ रहा 5, फिर s3 कितना है तो 4 minus 1 equal to 3 और ये 1. इनका रेशियो क्या आना चाहिए 1, 3, 5, 7, ये आंसर आना चाहिए. समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16. चलिए 16 पे चलते हैं. The adjoining curve represents the velocity time graph of a particle. यानी हमारे पास में ये कर्व ऐसा दिया है. ये 10 है, ये 20 है, यहाँ कहीं 30 है, ये 40 है, ये टाइम है सेकंड में, ये A, ये B, ये 10 है, फिर ये 5 है, ये 10 है, और ये B है. Adjoining curve represent the velocity time graph of particle its acceleration values along OA. Along OA. अरे सब बोल गए आप तो यार. और ए बी क्या है? जीरो. ये तो सब पढ़ा चुका हूं मैं. ए बी बी सी ओए ए बी और बी सी. तो ए ए बी तो जीरो हो गया ना, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है. और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन तो देता है. एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? 10/10 ना, 1 आ गया. ये स्लोप जो होगा इसका 10/10, फिर इसका माइनस आ जाएगा क्योंकि इधर है ना इसका. तो ए बी सी कितना होगा यहाँ? माइनस के साथ लिखेंगे, लेकिन वर्टिकल हाइट कितना? 10. बाय डिफरेंस कितना रहा है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये और ये लेते हैं ना हम लोग, कितना आ रहा है 20. तो माइनस हाफ, ये आंसर है 0.1 माइनस हाफ यानी 0.5. ये आंसर है, ठीक है ना? 18. balloon of gross weight W. Balloon of gross weight W Newton descends with an acceleration. The weight that must be thrown out in order to give balloon an equal upward. देखो एक बलून है मान लो इस तरह से. बलून ऑफ ग्रॉस वेट यानी पूरा वेट उसका दिया, यानी वेट मतलब उसका मास इनटू जी की बात कर रहे हैं, यानी उसका मास हो गया डब्लू बाई जी. और ये इसका जो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है ए, दरअसल वो एफ दिया हुआ है. तो ये कह रहा है कि अगर ये वापस ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब यहाँ एक दरअसल एक कॉन्सेप्ट है. वैसे तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे, और वैसे तो 10th आपको आइडिया होगा, 10th 9th में आप पढ़ के आते हो पॉइंट फोर्स. तो इसका वॉल्यूम यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, इस पर जो पॉइंट फोर्स होगा ना वो कांस्टेंट बना रहेगा. क्योंकि अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट है और जिस मीडियम में वो है उसकी डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो पॉइंट फोर्स कभी चेंज नहीं होता है. तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसको एम जी नीचे लग रहा है, मास इसका एम दे रखा है,
नीचे क्या लिखोगे आप? एम जी माइनस बी इक्वल टू एम इंटू एफ ना, ये हो गया एम जी माइनस बी और एम की वैल्यू डब्ल्यू बाई जी इंटू एफ, यानी यहां से बी मिल गया कितना, एम जी माइनस डब्ल्यू एफ बाई जी, क्वेश्चन नंबर वन। ये बात सुन माई सबको। अब क्या कह रहा है, द वेट दैट मस्ट बी थ्रोन आउट इन ऑर्डर टू गिव बलून एन इक्वल अपवर्ड एक्सेलरेशन, यानी कुछ मास बाहर निकाल दिया, इसका मास रह गया मान लो यहां एम माइनस एम डैश, है ना, तो हमें क्या चाहिए, एम डैश इंटू जी चाहिए। इसका पॉइंट फोर्स तो अभी भी वही है, इसका सेम एक्सेलरेशन कह रहा है ऊपर की तरफ है, क्या लिखोगे डाउनवर्ड, इसको क्या लग रहा है यहाँ, एम माइनस एम डैश इंटू जी, आप लिखोगे बी माइनस एम माइनस एम डैश इंटू जी इक्वल टू एम माइनस एम डैश इंटू एफ, बी की वैल्यू वहां से रख दो, तुम्हारे पास आ गया एम जी माइनस डब्ल्यू एफ बाई जी माइनस एम जी प्लस एम डैश जी इक्वल टू एम एफ माइनस एम डैश एफ, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो हो गया एम डैश जी प्लस एम डैश एफ इक्वल टू एम एफ प्लस डब्ल्यू एफ बाई जी। अच्छा एम की वैल्यू मैंने लिखा था यहाँ डब्ल्यू बाई जी, तो हो गया डब्ल्यू बाई जी एफ प्लस डब्ल्यू एफ बाई जी, तो कितना हो गया तुम मिला के टू डब्ल्यू एफ बाई जी हो गया, है ना, यहाँ से एम डैश निकाल लो पहले, तो जी प्लस एफ इक्वल टू टू डब्ल्यू एफ बाई जी, जी को इधर ले जाते हैं एम डैश जी, ये अपने को चाहिए था, कितना हो गया टू डब्ल्यू एफ बाई जी प्लस एफ, ये आंसर होना चाहिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू। ये क्लियर है भाई सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर है सर। तो ये हो गया सर, एक मिनट लिखना था। हाँ लिख लीजिए। सर नहीं सर, लास्ट का तो। हाँ जी सर, लास्ट का। अच्छा लास्ट का लिखना है। हो गया हाँ सर। चलिए डीपीपी थ्री किया? यस सर किया। चलो उसमें से पूछो कोई डाउट। एपीपी थ्री में से पूछ रहा हो तो पूछो सर। वन एंड टू। वन और टू। टू ठीक है। और बताओ, और बताना है? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या?
क्या कि नहीं किया आप लोगों ने भाई? यस हो गए सारे क्वेश्चन? हाँ या ना कुछ तो बोलोगे? हाँ सर। बोलिए। हाँ सर। चलो तो पहला और दूसरा बता दो फिर, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर वन, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन but its speed decreases uniformly with time to zero and time interval t equal to 10 seconds. Particle moves in straight line so that it moves in the same direction but its speed decreases uniformly with time to zero and time interval t equal to 10 seconds. It travels a total distance 12.5 meter. Then the velocity at any minute, देखो इसमें क्या हो रहा है, या मैं v और t में ग्राफ बनाता हूँ पहले, स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज करने का मतलब हुआ ऐसे डिक्रीज करती जा रही है, इसका मतलब इसका रिटार्डेशन कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ की वेलोसिटी नहीं मालूम है, मैंने मान लिया वी नॉट है, ये टी इक्वल टू जीरो और ये टी इक्वल टू कितना है, ये 10 सेकंड है, और ये जो टोटल डिस्टेंस चल रहा है एरिया अंडर द कर्व, वी टी कर्व में एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू वी नॉट, और ये कितना है 12.5, यानी वी नॉट इक्वल टू हो गया 12.5 का मतलब 25/10 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक कह रहा है कि किसी यहाँ पर वेलोसिटी बताओ, तो बता सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं, कितने पर पूछ रहा है 6 सेकंड पर, किसकी वेलोसिटी क्या है यानी ये वी क्या है, तो फंक्शन बना लेते हैं इसका, इसके इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहाँ 0, V0, इसके कोऑर्डिनेट 10, 0, तो V इक्वल टू mx, बताया था ना आपको कैसे स्ट्रेट लाइन बनाना है, mx सॉरी mt, mt प्लस c, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट रखो तो क्या लिखेंगे, V0 इक्वल टू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू मिल गई v नॉट, यानी c की वैल्यू क्या आ गई है 2.5, फिर यहाँ का रखेंगे तो 0 इक्वल टू 10 है ना इंटू m प्लस 2.5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.25 या 1/4, तुम्हारे पास v इक्वल टू आ गया -t/4 प्लस 2.5। अब यहाँ वेलोसिटी यानी एट t इक्वल टू 6 सेकंड पे क्या हो रहा है, तो v इक्वल टू -6/4 प्लस 2.5, तो ये कितना आ रहा -1.5 प्लस 2.4, यानी कितना आ रहा 0.5 आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या, सॉरी 1 आ रहा है ना, 1.5 कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो ये आंसर है, ऐसे करना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन हमने प्रोजेक्टाइल में किया था, तो कैसे करेंगे, अब बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ, अब देखो पहले क्या करना था, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ 80 मीटर डीप वेल विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, देन पार्टिकल विल फॉल ऑन द बॉटम एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑल द कोलिजन विद द बॉल आर इलास्टिक, तो यहाँ पहले समझ लेते हैं कि कोलिजन होके कैसे आ रहा होगा नीचे,
इसको हम लोग ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ये हाइट इसका दिया हुआ है 80 मीटर है। दरअसल यहाँ टकराएगा, फिर इधर टकरा के इधर आएगा, फिर 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 इधर कहीं ऐसे जाके गिरेगा। तो हमें बताना है ए से कितनी डिस्टेंस पर है, बी से कितनी डिस्टेंस पर है, वो ये बताना है। क्या करेंगे, पहले मान लो ये बॉल अगर नहीं होता, मान लो कंटेनर है, अगर ये है ना, तो ये अगर नहीं होता, मान लो ये वाली बॉल नहीं होती तो किधर जा रहा होता है, अगर ये बॉल नहीं हो रही होती तो, क्योंकि इसको अर्जेंटली थ्रो किया है, यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से देखो आप, ये ऐसे जाके गिरेगा, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। तो आप देख रहे हो कि वर्टिकली कितना 80 है, तो 80 है तो उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, देखो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये तो जीरो ही है क्योंकि v y कंपोनेंट तो इसका जीरो है, और यू वाई और यू एक्स अपने को कितना दिया इसने, 10 मीटर पर सेकंड दिया, और लेकिन वाई दिया हुआ इसने 80। तो ये क्या हो गया, प्लस हाफ, जी की वैल्यू कितना है यहाँ 10 मान लेते हैं, इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 16, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी टी इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकंड, 4 सेकंड आ गया। तो ओरिजिनल कंपोनेंट ये, क्योंकि इसका ए एक्स तो जीरो ही है, तो अगर ए एक्स जीरो है, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये तो जीरो ही है, तो यानी ये एस इक्वल टू क्या हो गया, यू एक्स कितना यहाँ 10 इंटू टाइम कितना लग रहा है इसको 4 सेकंड, यानी कितना चला है 40 मीटर चला, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है इसका 7 है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, देखो 7, अब इसमें क्या हो रहा होगा, देखो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ना, तो 7 ऐसे चला, फिर 7 ऐसे चला, 14, 21, 28, 25, बचा कितना 5, यानी यहाँ से कहाँ गिरेगा ये, यहाँ से गिरेगा 5 मीटर पर, और ऐसे 2 मीटर पर, ये आंसर है। तो बी से 5 और ऐसे 2 मीटर पर आंसर आ गया हमारा, बी से कितनी डिस्टेंस पे गिर रहा है, 5 मीटर पे गिर रहा है। भाई ये क्वेश्चन करो भी आप इसका, डीपीपी का, इसकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, मुझे तो डाउट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 करो डीपीपी इसका, डीपीपी कौन सा है, डीपीपी 3 है ना हमारा, है करिए, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना। भाई कर रहे हो ना आप लोग, मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर। करो करो क्वेश्चन करो। डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 4।
सर। एक्सक्यूज मी सर। हो गया क्या? हाँ सर। क्वेश्चन हो गया क्या? मेरी आवाज आ रही ना? Yes, sir. चलो देखो कैसे करेगी, बता दूं? Yes, हो गया ना? चलो वेरी गुड। कितने लोगों ने क्या बताएंगे आप मुझे? पता तो करें कि कौन कौन लोग हैं, केवल झूठ बोलते हैं या सच बोलते भी हैं। चलो बताइए किस किस ने किया? संस्कार ने। अरे वाह, आशुतोष वस्तादिश ने कर लिया, वेदांत ने कर लिया, संस्कार का हो गया, पीयूष का हो गया। चलो अच्छा है, बता देता हूँ लेकिन मैं, ठीक है? देखो कैसे करेंगे। दरअसल अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन था, सिंपल ही है लेकिन लॉजिकल है। मतलब वो क्या रहा है, यहाँ देखो ये कार्ट है यहाँ, इसका मास 0.5 केजी है, और इसको डाउनवर्ड देखो आप 0.2 इंटू जी लग रहा हुआ ना, तो 0.2 इंटू जी इंटू 9.8 न्यूटन, ये फोर्स होगा, ये वेट है इसका। तो आप देख रहे हो कि इधर तो ओरिजिनल में कोई फोर्स ही नहीं है, इधर थोड़ी कोई फोर्स है, राइट लेफ्ट साइड में है क्या? नहीं है।
इसका मतलब अगर इसको आप छोड़ दोगे तो किधर भागना चाहेगा सिस्टम, इधर किधर, ये इधर भागना चाहेगा और ये इधर भागना चाहेगा। लेकिन इसने क्या कहा, इसने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया। तो मैंने आपको पहले बता रखा कि हमेशा बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करती है जिधर वेलोसिटी होती है, न कि उस डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेशन है। हाँ, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फिर उस डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेशन है, तो इसका एक्सेलरेशन तो लेकिन इधर है ना, इसका भी इधर ही है ए, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो इसको देखो, यहाँ टी लग रहा होगा, यहाँ भी टी लग रहा होगा, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, है ना। तो यहाँ देखो, इसका रिटार्डेशन नीचे की तरफ है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ, इसका लिखोगे आप मतलब 0.2 इंटू जी माइनस टी इक्वल टू 0.2 इंटू है ना, और इसका लिखोगे क्या, टी इक्वल टू किसका, इसका टी इक्वल टू 0.5 इंटू ए लिखोगे ना, दोनों का ऐड कर दो, तो 0.2 इंटू जी इक्वल टू कितना होगा, 0.7 इंटू ए, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया, 2g/7 आ गया, यानी ये तो इसका एक्सेल रिटार्डेशन हो जाएगा इस केस में। तो जो कि कह रहा है टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल सही है, कार्ट का टुवर्ड्स राइट है, द कार्ट कम्स टू मोमेंटली अरेस्ट। तो आप देख रहे हो कि ए मिल गया, वेलोसिटी दिया है, उस टाइम बाद क्या करेगी, रुक जाएगी नहीं आ जाके। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो, ये डिस्टेंस भी बता सकते हैं कितना चला। तो वैसा हो गया कि एक पार्टिकल को आपने ऊपर थ्रो किया और नीचे आया, तो जब वापस ये लौट के आएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी वापस यहाँ कितनी हो जाएगी, मतलब स्पीड 7 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो ये क्या क्या पूछ रहा, कार्ट कम्स टू, तो देख लो ये इक्वेशन लगा देंगे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, मतलब कहाँ से कहाँ तक के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ए टू बी के लिए, तो ये कितना है 7 है ना, माइनस 2g/7 इंटू टी, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 49/2 इंटू 9.8, यानी 49/2 इंटू इंटू 10 ऊपर कर लो, तो कितना लिखोगे इसको, 2 इंटू 49, ऐसा लिख सकते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, टी इक्वल टू आ गया 2.5 सेकंड, तो ये भी सही है। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार्ट, तो पहले इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस चला, वो कहाँ से निकालेंगे, एस इक्वल टू या तो इससे निकालो या इससे निकालो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी जीरो, 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना हो गया 2g/7 इंटू एस, तो एस इक्वल टू आ गया हमारे पास में 49 × 7/4 इंटू 9.8, यानी 49 × 7 × 10/4 × 2 × 49, इससे कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कितनी बार 5 कितना आ गया है 35/4 आ रहा है। 35/4 का मतलब कितना हुआ, यानी ये तो जाने का टाइम डिस्टेंस हुआ ना, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इधर होने की वजह से, कांस्टेंट होने की वजह से जाने और आने का टाइम भी सेम होगा, यानी ए टू बी का जो टाइम होगा वह बी टू ए का भी होगा, और स्पीड वापस से 7 मीटर पर सेकंड जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला लेकिन वापस आने का, क्योंकि उसने कहा ना 2.5 तो उसको टाइम लग रहा जाने का, तो ये कह रहा है कि 5 सेकंड में, तो 2 × s कर देंगे, यानी 35/4 × 2 कितना हो गया 35/2, यानी 17.5 मीटर। तो ये आंसर भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ए बी सी सही है। क्लियर भाई सबको ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. है ना, तो ठीक है फिर अभी इतना ही, और आगे के डीपीपी करना शुरू कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट समझाना। इसका अभी एक्सरसाइज 2 जो है ना, वो मैं आपको रिवीजन में करवाऊंगा फिर, ठीक है, ये वाला लास्ट पार्ट ना। भाई देखो, टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है ओरिजेंटली, वो 40 मीटर चल रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितना देखो यहाँ 7 है, तो इसका मतलब क्या करेगा, 7 इधर चला, 7 इधर चला, 7 इधर चला, 14 21 28 35, अब 5 और चलना है, 5 इधर चलेगा ना, क्योंकि टोटल 40 चलना है ना उसको ओरिजेंटली, नहीं समझे,
हाँ सर समझा, ऐसे चलना था, हो जाएगा, लेकिन डीपीपी करना जरूरी है। डीपीपी साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के डीपीपी अगर कर लोगे ना, उसके से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, वैसे तो मैंने आपको स्टार्ट कर ही दिया था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स चल रहा था, उस पर न्यूमेरिकल्स करने और डीपीपी डिस्कस करेंगे। ओके, और एनसीईआरटी भी करना शुरू कर दीजिए, जो बच्चे हुए हैं आपके, वो मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी भी, है ना, क्लियर है भाई? एनसीईआरटी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। चलिए ओके, चलो फिर आज इतना ही, ओके बाय बाय, बाय सर, बाय सर, बाय बाय, बाय बाय, ये भेजता हूँ मैं आपको, सर है ना, नोट्स भेज दूंगा मैं।